हाय फ्रेंड्स, मैं निकिता आज आपके लिए बिल्कुल लेटेस्ट डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये लीफ डिज़ाइन है, क्योंकि देखिए ये बिल्कुल पत्तियों की शेप है। यहाँ पर इधर से एक पत्ती, इधर से एक पत्ती, ऐसे ही पूरी रो मेरी बनती जाएगी। ये काफ़ी खूबसूरत दिखती है और मुझे तो बेहद पसंद है ये डिज़ाइन। ये मैंने बनाया है 13 के सेट्स में, यानी ये आप 13 फंदों में बना सकती हैं ये डिज़ाइन। इसे आप जितना चौड़ा बनाएं, 13 13 के सेट में ये बनेगा। इस डिज़ाइन को आप बहुत तरह से यूज़ कर सकती हैं। इसे कार्डिगन के अगले पल्ले के बॉर्डर के रूप में भी आगे ऐसे पूरी लंबी तरीके से डाल सकती हैं, या किसी शॉल के चारों ओर से इसे बॉर्डर में बना सकती हैं, बेबी सेट में डाल सकती हैं, बहुत सारी स्वेटर्स में आप अपने अनुसार इसे यूज़ कर सकती हैं। ये टोटल 10 रोज़ की डिज़ाइन है, यानी 10 पंक्तियों की ये डिज़ाइन है, जो मैं जिसमें उल्टी तरफ से हर सिलाई में उल्टा ही बनेगा, सिर्फ सीधी तरफ से मैं डिज़ाइन दी हूँ इसमें। तो आइए देखते हैं डिज़ाइन को कैसे बनाते हैं। इसमें डिज़ाइन का सिर्फ एक सेट मैं बताई हूँ, 13 फंदे पर। 13 फंदे का मैं एक सेट बता रही हूँ कि कैसे बनाते हैं, उसको आप अपने अनुसार जितना चाहें बना सकती हैं। इसके दोनों ओर मैं चार चार फंदे एक्स्ट्रा बॉर्डर के रूप में ली हूँ, ये आपकी मर्जी पर है। इसे आप 6 फंदा भी ले सकती हैं, 8 फंदा भी ले सकती हैं, जितना चौड़ा चाहे ले सकती हैं, लेकिन डिज़ाइन 13 फंदे पर ही आप बनाइए। इसके नीचे सबसे पहले मैं यहाँ पर 13 फंदे डिज़ाइन की ली हूँ और चार चार फंदे दोनों ओर, यानी टोटल मैंने 21 फंदों पर ये डिज़ाइन बनाई है। 21 फंदे डालकर मैं दोनों ओर से उल्टी सिलाई में चार सिलाई बनाई हूँ। दोनों ओर से जिसे मैंने उल्टा ही बनाया है, चार सिलाई बनाने के बाद मैं डिज़ाइन शुरू की हूँ। इसमें सीधी तरफ से पहले चार उल्टा बनाते हैं, फिर डिज़ाइन और फिर इधर चार उल्टा, और उल्टी तरफ से हमेशा पूरी सिलाई उल्टी ही बनाएंगे। हर सिलाई में सिर्फ सीधी तरफ से डिज़ाइन डालते हैं इसमें। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट रो में यहाँ पर पूरी सिलाई उल्टी बना चुकी हूँ और सीधी तरफ से ये डिज़ाइन डालूंगी। यानी डिज़ाइन शुरू करने के पहले पहली सिलाई आप उल्टी बना लेंगे, ये आपके मर्जी पर है, आप बॉर्डर जितनी भी डालें, लेकिन पहली सिलाई उल्टी बनाने के बाद सीधी तरफ से ही डिज़ाइन डालते हैं। तो पहली सिलाई मेरी कंप्लीट है उल्टी, अब सीधी तरफ से मैं डिज़ाइन डालकर आपको बताती हूँ। सबसे पहले चार उल्टा बनाएंगे, आप ध्यान से देखिएगा थोड़ा, चार उल्टा, ये तो सिंपल है। अब मैं डिज़ाइन शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले एक सीधा बनाते हैं, फिर फंदा आगे, फिर से एक सीधा, फिर से फंदा आगे, फिर यहाँ पर एक फंदा उतार लेंगे, यहाँ पर एक जोड़ा फंदा बुन लेते हैं और उतारे हुए फंदे को इसके ऊपर से ऐसे नीचे गिरा लेंगे। यानी कि मेरे यहाँ पर दो फंदे जो मैंने बढ़ाए थे, यहाँ पर दो फंदे मैंने घटा लिए हैं। और फिर यहाँ से यहाँ पर तीन सीधा बुनेंगे, एक दो तीन सीधा बुनने के बाद तीन फंदे को एक साथ सीधा बुन लेते हैं, यानी दो फंदा यहाँ पर एक साथ मेरा घट जाएगा। दो घटे हुए फंदे को यहाँ पर मुझे बढ़ाना है, उसके लिए फंदा आगे करके एक सीधा बुन लेंगे, फिर से फंदा आगे करके एक सीधा बुन लेते हैं। तो यहाँ पर दो फंदा जो मैंने घटाया है, यहाँ पर फिर से बढ़ा ली हूँ। अब ये बॉर्डर के चार फंदे हैं मेरे। ये सीधी तरफ से डिजाइन की फर्स्ट रो मेरी कंप्लीट है। उल्टी तरफ से पूरी उल्टी ही बना लेंगे,
ये दूसरी सीधी सिलाई में मैं फिर से डिजाइन डाल रही हूँ। आप ध्यान से देखेंगे फिर से, पहले चार फंदे बॉर्डर के उल्टा बुन लूंगी, फंदा को पीछे कर लेंगे, फिर एक सीधा फंदा आगे, तीन सीधा, फिर से फंदा आगे, एक फंदा उतार लेंगे, एक फंदा बुन लेंगे और उतारे हुए फंदे को नीचे उतार लेते हैं। फिर से एक फंदा सीधा, एक जोड़ा फंदा बना लेंगे, फंदा आगे, तीन सीधा, फंदा आगे, एक सीधा, और ये बॉर्डर के चार फंदे उल्टे बना लेंगे। इसमें इस रो में अभी इस सिलाई के डिजाइन में मेरे दो फंदे बढ़ गए हैं, यानी 13 फंदे का ये डिजाइन है, लेकिन यहाँ पे फंदे को बढ़कर मैंने 15 किया है। जैसे यहाँ पर दो फंदे मैंने बढ़ाए हैं और यहाँ पर भी दो फंदे बढ़ाए हैं, तो इसके बदले मुझे चार फंदे घटाने चाहिए, लेकिन मैंने दो ही फंदे घटाए हैं इसमें, इसलिए ये 13 से 15 हो गया। अब इसे अगली बार सीधी तरफ से फिर से 13 करना है, जो मैं आपको बनाकर बताती हूँ। उसके पहले इधर से सारी सिलाई उल्टी बुन लेंगे, ये डिजाइन मेरी टोटल 10 रोज की है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जिसमें उल्टी तरफ से पूरी सिलाई उल्टी ही बनाएंगे, जो अभी मैं बुन ली हूँ, और सीधी तरफ से डिजाइन डालते हैं। तो सीधी तरफ से ये मेरी थर्ड रो है, और अगर पूरी रो देखें तो मेरी ये सिक्स्थ रो है। सिक्स्थ रो में मैं 15 फंदे को घटाकर 13 फंदे कर लूंगी डिजाइन के सेट में, और चार चार फंदे अलग से उल्टा बुन लूंगी। चार फंदे पहले उल्टा बनाऊंगी, फंदा को पीछे, एक सीधा, फंदा बढ़ाने के लिए फंदे को आगे कर लेंगे और एक फंदा उतार लेंगे और एक सीधा बुनकर उस उतारे हुए फंदे को नीचे गिरा लेते हैं। तो मेरा बढ़ा हुआ एक बढ़ा हुआ फंदा है, यहाँ पर एक फंदा घटा भी ली हूँ। फिर से एक सीधा बुनेंगे और यहाँ पर एक फंदा घटाएंगे, एक जोड़ा बुन करके, एक जोड़ा जोड़ा बुनकर फंदा घटा लेंगे, फिर से फंदा आगे करेंगे, एक फंदा उतार कर एक जोड़ा बुन लेंगे और उतारे हुए फंदे को इसके नीचे से गिरा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फंदा बढ़ाया है और यहाँ पर एक फंदा घटा लिया है, तो ये मेरा फिर से बराबर हो गया, लेकिन यहाँ पर मैं दो फंदे को घटाई हूँ, क्योंकि एक जोड़ा भी बुनी हूँ और ये एक फंदा इसके ऊपर से नीचे गिराई हूँ, तो मेरा 15 फंदे का 13 फंदा इस सेट में हो गया है। फिर से फंदा आगे, एक फंदा उतार लेंगे, एक सीधा, इस फंदे को ऐसे गिरा लेंगे, एक सीधा, यहाँ पर एक जोड़ा सीधा बुनेंगे, फंदा आगे और एक सीधा, और ये लास्ट के चार फंदों को उल्टा ही बुन लेंगे। तो मेरा यहाँ पर फिर से पहले की तरह 13 फंदा आ गया है और उल्टे से पूरी सिलाई उल्टा ही बुनेंगे।
ये आठवीं सीधी सिलाई में शुरू के चार फंदे उल्टा बुन लूंगी, फंदा पीछे एक सीधा बुन लेंगे, फंदा आगे एक फंदा उतार कर एक सीधा बुनेंगे और उतारे हुए फंदे को इसके ऊपर से ऐसे गिरा लेते हैं। फिर से एक फंदा सीधा, एक चौड़ा फंदा सीधा, फंदा आगे और एक सीधा। इसी को फिर से रिपीट करना है मुझे। फंदा आगे, एक फंदा उतार लेंगे, एक सीधा, उतारे हुए फंदे को इसके ऊपर से ऐसे नीचे गिरा लेते हैं, एक सीधा, एक जोड़ा सीधा, फंदा आगे, एक सीधा। और फिर से लास्ट के चार फंदे को उल्टा बुन लेंगे। ये मेरी एट्थ रो कंप्लीट है। उल्टा से पूरा उल्टा ही बना लेते हैं। ये लास्ट रो है, दसवीं सलाई यानी कि टेंथ रो मेरी लास्ट रो है। इसमें शुरू के चार फंदे बॉर्डर के उल्टा बना लेंगे। इसे भी ठीक आठवीं सलाई में जैसा बुना था वैसे ही बनाएंगे। फंदा पीछे करके एक सीधा, फंदा आगे, एक फंदा उतार लेंगे, एक सीधा बुन लेंगे, उतारे हुए फंदे को ऐसे गिरा लेते हैं। फिर से एक फंदा सीधा, एक जोड़ा सीधा बना लेंगे, फंदा आगे, एक सीधा, फिर से फंदा आगे, एक उतार लेंगे, एक सीधा, उतारे हुए फंदे को गिरा लेते हैं, एक सीधा, एक जोड़ा सीधा बुन लेंगे, फंदा आगे और एक सीधा। ये मेरी डिजाइन कंप्लीट है। यहाँ पर इसी 10 रो को बार बार रिपीट करना है। ये पत्तियों की डिजाइन देखिए कितनी खूबसूरत है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।